हाय, दिस इज मनु और आप देख रहे हैं गेट सूडो। तो क्रिप्टो स्पेस एक ऐसी जगह है जिसको लोग उतना सेफ और लेजिट नहीं मानते हैं व्हेन कंपेयर टू लेट्स से स्टॉक मार्केट। तो इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इसलिए ताकि आपको क्रिप्टो स्पेस के बारे में अच्छी जानकारी हो और आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो और आप भी अपना पहला बिटकॉइन खरीद सकें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने BTC को सेफ रखेंगे और आपको किस तरह की ऑनलाइन प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। तो पहले बात कर लेते हैं एक्सचेंजेस, सर्विसेज और ब्रोकर ऐप्स की जहां से आप बिटकॉइन खरीदने वाले हो। तो एक एक्सचेंज सर्विस को होना चाहिए बहुत ईजी टू यूज़ और बहुत ज़्यादा सेफ, क्योंकि हर ब्रोकर ऐप में हम अपनी KYC डिटेल्स और बैंक डिटेल्स डालते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो बहुत ज़्यादा सेफ रहे और बहुत सारी सेफ्टी फीचर्स रहे उसमें। सेफ्टी फीचर्स लाइक 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ताकि आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स किसी के पास हों तो भी आपका वॉलेट सेफ हो, मतलब जब तक आपको कोई किडनैप नहीं कर लेता तब तक तो सेफ ही है। इन दैट केस आप एक्ट कर सकते हैं। बिटकॉइन ये क्या होता है? तो 2FA ऐप की बात कर लेते हैं। तो जो मैं यूज़ करता हूँ 2FA ऐप वो है एगिस ऑथेंटिकेटर, आप भी यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ साथ कई और सिक्योरिटी फीचर्स के साथ ये ब्रोकर ऐप है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जिसका नाम है CoinDCX। तो इस ऐप के सिक्योरिटी सेशन में आप जाके देख सकते हैं। 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अलावा कई सिक्योरिटी फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल वेरीफाइड डिवाइसेस, जहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं आपके लॉगिन किए हुए डिवाइसेस को। तो किसी भी डिवाइस को आप यहाँ से बहुत ईजिली साइन आउट कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा फीचर जो आपको देखने को मिलता है इस ऐप के अंदर वो है विदड्रॉल पासवर्ड्स। तो विदड्रॉल पासवर्ड्स एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं आपको। जब आपको विदड्रॉ करना होगा मनी तो आपको एक एक्स्ट्रा पासवर्ड डालना होगा, तो आप ये सेट कर सकते हैं यहाँ जाके। तो आप देख सकते हैं कई सारे सिक्योरिटी फीचर्स यहाँ पे मिलेंगे आपको एज कंपेरिजन टू अदर ब्रोकर ऐप। साइन अप करना इस ऐप में बहुत ईजी है, बस ईमेल मोबाइल नंबर डालना होगा, OTP आएगा, सेम प्रोसीजर फॉलो करने हैं और आपको उसके बाद KYC डिटेल भरनी होगी, अपने बैंक अकाउंट डिटेल भरनी होगी। इस ऐप के DCX इंस्टा सेक्शन में जाके आप अपना पहला क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, पर उससे पहले आपको डिपॉजिट करना होगा कुछ पैसे। आपके बैंक अकाउंट डिटेल तो आप इसके पास है ही, तो उस बैंक अकाउंट से आपको कुछ डिपॉजिट करना होगा, पैसा अमाउंट लिखना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे से पूछा है अमाउंट, तो मैं जो अमाउंट डालूंगा फिर अपने बैंक अकाउंट से मुझे उतने ही पैसे इनके अकाउंट में भेजने पड़ेंगे जो कि ये रहे। तो आप देख सकते हैं बस आप मुझको ये कॉपी पेस्ट करना है अपनी बैंक ऐप में जाके और ट्रांसफ़र करना होगा इन्हें पैसे। ये करते ही मेरे वॉलेट में पैसे आ जाएंगे और फिर उन वॉलेट के पैसों से मैं खरीद सकता हूँ कोई भी क्रिप्टो करेंसी। तो ध्यान रखने वाली एक बात जो मैं आपको बता दूँ, ये ऐप यूज़ करता है एक हॉट वॉलेट, मतलब कि ये वॉलेट कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट से। तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं वॉलेट के बारे में। तो हर वॉलेट में पब्लिक की और प्राइवेट की होती है, तो हॉट वॉलेट की पब्लिक प्राइवेट की इंटरनेट से कनेक्टेड होती है। तो बेसिकली ये हॉट वॉलेट्स आर यूजफुल फॉर ट्रेडिंग, बट डाउन साइड ये है कि आपको ट्रस्ट करना पड़ता है एक्सचेंज सर्विसेज या ब्रोकर्स के ऊपर। अगर कल को आपका BTC या कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो आपने CoinDCX या किसी और भी ब्रोकर ऐप से खरीदी है कल ना रहे, सो यू कांट ब्लेम एनीवन, क्योंकि BTC का कोई बैंक नहीं होता है और कोई भी कंपनी आपको इंटरटेन नहीं करेगी, कोई प्रकार का इंश्योरेंस नहीं मिलने वाला है आपको। इस भ्रम में मत रहना, क्योंकि एक्सचेंज सर्विसेज का काम है आपको BTC या ईथर या कोई भी क्रिप्टो करेंसी प्रोवाइड करना, ना कि उन्हें सिक्योर रखना। तो एक टर्म याद रखिए, नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स, यानी प्राइवेट की और पब्लिक की आपकी तो है नहीं, CoinDCX की है या फिर कहीं से भी आप खरीद रहे हैं उनकी है, तो यानी BTC भी उनका हुआ। हरदम ध्यान रखिए हॉट वॉलेट के कुछ कॉन्स हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कोल्ड वॉलेट। कोल्ड वॉलेट आपकी पब्लिक और प्राइवेट की को ऑफलाइन रखता है। कोल्ड वॉलेट 3 प्रकार के हो सकते हैं, मोबाइल, डेस्कटॉप और हार्डवेयर वॉलेट्स, जो कि होते हैं सबसे ज़्यादा सिक्योर वॉलेट्स। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हो तो आपको ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए कोल्ड वॉलेट, और आपको ज़्यादा ही सिक्योरिटी चाहिए तो आप एक हार्डवेयर वॉलेट भी यूज़ कर सकते हो, जो कि आपकी प्राइवेट कीज पूरी तरह से ऑफलाइन रखता है। तो आपकी होल्डिंग्स अगर 50,000 या 60,000 से ज़्यादा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऑप्ट करें हार्डवेयर वॉलेट ही, फॉर एग्जाम्पल लेजर नैनो एस या फिर ट्रेजर वन। तो एक और बात बोलना चाहूँगा कि तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, तो वेल आपको एक और काम करना पड़ेगा कि आपको ब्रोकर ऐप अपना चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि CoinDCX विड्रॉल्स एक्सेप्ट नहीं करता है, यानी आप BTC अपना निकाल नहीं सकते, किसी और वॉलेट पे डाल नहीं सकते, विदड्रॉ नहीं कर सकते। तो CoinDCX जैसे ऐप आर वेरी गुड फॉर ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप अपने क्रिप्टो करेंसी विदड्रॉल नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको दूसरे ब्रोकर ऐप्स लाइक WazirX या UnoCoin में शिफ्ट होना पड़ेगा, जो कि आपको ऑप्शन देते हैं विदड्रॉ करने के लिए आपकी क्रिप्टो करेंसीज। तो ये इंटरफेस है UnoCoin का। तो वॉलेट सेक्शन को क्लिक करते ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा विदड्रॉवल का यहाँ पे वॉलेट पे। तो विड्रॉल पे क्लिक करते ही आप अपने BTC या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र कर सकते हो या विड्रॉ कर सकते हो अपने कोल्ड वॉलेट पे। बस आपको कोल्ड वॉलेट का अपना एड्रेस देना होगा
एड्रेस देते ही आपके BTC ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो आप मेरी से होल्डिंग्स देख सकते हैं कि मैंने कुछ ट्रांसफ़र किया हुआ था पहले भी, तो ये देख सकते हैं आप, ऐसा ट्रांसफ़र बता देगा टू सम एड्रेस। तो ये मेरा एड्रेस है गोल्ड वॉलेट का, यहाँ पे मैंने कुछ होल्डिंग्स ऑलरेडी डाल रखी है गोल्ड वॉलेट पे। तो कई सारे गोल्ड वॉलेट आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप स्ट्रिक्टली BTC के लिए कोई वॉलेट गोल्ड वॉलेट देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इलेक्ट्रम वॉलेट, जो कि डेस्कटॉप और मोबाइल पे भी अवेलेबल है। तो कुछ कॉन्स होते हैं गोल्ड वॉलेट के, ऑफकोर्स जैसा कि आप बहुत ईजिली ट्रेड नहीं कर सकते, यानी आप अपना क्रिप्टो करेंसी सेल या बाय उतना जल्दी नहीं कर सकते गोल्ड वॉलेट पे रखेंगे तो, क्योंकि उसके लिए आपको माइनर फीस हर बार पे करनी होगी, जो कि आपको बहुत कॉस्टली पड़ सकती है। तो हरदम ध्यान रखें इस बात का। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है कि यार मैं कोल्ड वॉलेट यूज़ करूँ या हॉट वॉलेट यूज़ करूँ, क्या करूँ, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि हॉट वॉलेट में आप कुछ अपने पैसे रखें जिसको आप यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, और बाकी बल्क में ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग्स अपनी कोल्ड वॉलेट में ही रखें, जो कि बहुत ज़्यादा सेफ रहेंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो का माध्यम से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप क्रिप्टो स्पेस में आने से डर रहे हो तो डरने वाली कोई बात नहीं, एक अच्छा सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, आप देख सकते हैं पिछली साल की बात है, BTC कहाँ 10-11 हज़ार से लेकर और आज एक साल के बाद $60,000 पे है, कहाँ एक साल पहले $11,000 पे था जब मैंने इसे पहली बार बाय किया था। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप समझ चुके हो क्या कैसे करना है। तो नए व्यूअर जरूर विजिट करें मेरे चैनल में, ऐसे ही कंटेंट बनाता रहता हूँ। तो मैं मनु आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एट सूडो।